हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ओके, पहला, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। दूसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना वे स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सो थैंक यू।